हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। तो जी, मॉडल का बिफोर लुक आपने देख लिया और आज हम करने लगे हैं ब्लैक ड्रेस के ऊपर मेकअप। और जी, नेक को कवर कर लिया है, एयर को कवर कर लिया है और अब जो है ज्वेलरी भी पहना दी है। और अब मैंने पिक की है मुराल ब्रांड की 45 नंबर कलर करेक्टर, ठीक है। और बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि इनका सारा दिन इंतज़ार किया जाए कि इनकी आवाज़ बंद होगी, क्योंकि ये रात तक काम कर रहे होते हैं और आवाज़ बिल्कुल भी बंद नहीं होती, ठीक है। तो उन पार्ट्स पर जो आपको डार्क लग रहे हों, जैसे अपर लिप, अंडर आई एरिया और कभी कभी फोरहेड भी डार्क होता है, तो उन पर आप अच्छे से जो है वो इसको बिल्कुल एक लाइट सा पिगमेंट आपने देना होता है, ठीक है। और बहुत अच्छा पिगमेंट है इसमें, ये जो मराल की स्टिक है इसमें, और आपके पास जो भी ऑरेंज कलर करेक्टर अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने मराल की 45 नंबर स्टिक ली है, ठीक है। आप कोई सी भी शेड उठा सकते हैं और आप डायरेक्टली जो है वो फाउंडेशन भी लगा सकते हैं अगर आपके पास फुल कवरेज फाउंडेशन मौजूद है तो। लेकिन मैंने जो है यहाँ पर पहले प्राइमरी बेस डन की करनी है और उसके बाद मैं सेकेंडरी बेस भी अब बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 45 नंबर स्टिक को अच्छे से ब्लेंड किया है और जो आपकी अंडर आई एरिया होता है ना, वहाँ पर आप पिगमेंट जो आपकी बेस वगैरह होती है वो बहुत कम लगाया करें, क्योंकि बिल्कुल पतली सी लेयर दिया करें, क्योंकि इसी एरिया पर हमारा ज़्यादा जो है वो लाइंस वगैरह पड़ रही होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे तो यहाँ पर लाइंस वो ज़्यादा इन्हेंस होंगी, इसलिए आप बहुत कम प्रोडक्ट जो है वो लगाया करो। अच्छा जी, अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैंने अगेन मैंने मुराल का जो है वो 45 नंबर लॉक बेस लिया है और इससे जो है वो अपनी बेस को लॉक करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और देर तक के लिए सेटल करने के लिए ना, और इसको जो है मैंने बिल्कुल एक थिन सा पेस्ट है, बिल्कुल रनी टेक्सचर, और इस तरह का आपका पेस्ट होना चाहिए कि बिल्कुल टेक्सचर जो है वो रनी हो। और अच्छे से आप जो है वो अपने ब्रश से, स्पंज से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर लें, थोड़ा अच्छे से वेट हो और फिर उससे जो है वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तीन पाउडर मिक्स करके मैंने एक पाउडर अपने पास रखा है, ये है मिस रोज़ का, इसमें लूज़ पाउडर है और एक इसमें लूज़ शाइनर है और एक और काशिस ब्रांड का जो है वो कॉम्पैक्ट है इसमें, ठीक है। और वो है जो पिंक वाला शेड आता है इसमें, वो है। अब मैंने कंटूरिंग के लिए जो है ना वो मैंने डूडो गर्ल की पैलेट ली है, उसमें से ये शेड है ब्राउन शेड, और उससे जो है वो अभी अपने एरियाज़, कंटूरिंग एरियाज़ को हम अच्छे से जो है वो कंटूर करेंगे, ठीक है। और कंटूरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपका जब आप बेस के एप्लीकेशन करते हैं तो फेस का कैनवस जो है वो बिल्कुल जो है वो आपके नेचुरल फीचर, जो नेचुरल लाइंस होती हैं आपके फेस के ऊपर, वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनको दोबारा से इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके फेस की जो शेप होती है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उन्हें इन्हेंस करने के लिए हम टॉरिंग कर रहे होते हैं, क्यों, ये वही नेचुरल पिगमेंट आपकी स्किन के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन जब हम बेस लगाते हैं, लेयर करते हैं, बेस से लेयरिंग करते हैं, तो वो फिर जो है हमारी जो नेचुरल लाइंस हैं वो इन्हेंस नहीं हो रही होती, नज़र नहीं आ रही होती, तो फिर उन्हीं को दोबारा से इन्हेंस करने के लिए हम कंटूर शेड यूज़ करते हैं, ठीक है। और कंटूरिंग शेड भी बहुत डिफरेंट टाइप के आते हैं, इनमें क्रीम कंटूर भी होती है, एक डीप कंटूर भी होती है, इस पर भी एक डिटेल वीडियो कभी बनाएंगे इंशाल्लाह। और अभी जी यहाँ पर मेरे पास ये एक लोकल ब्रांड का ब्लश ऑन है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और कभी कभी आप जो हैं वो ऐसे ही काम भी चला सकते हैं। और यहाँ पर इन तीन शेड को मिक्स कर कर, एक तो इसमें कॉन्टोर शेड है, लेकिन इन तीनों शेड को मिक्स कर कर एक नेचुरल टोन बन जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसे जो है वो अच्छे से ब्लश ऑन अप्लाई कर लें, और एप्पल चीक्स बनाए हैं इनके, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं शेड को हम लाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे तक इन्हेंस नहीं करेंगे, लेकिन जब आप नोज़ के अराउंड थोड़ी सी ब्लेंडेड कर देते हैं और आपका एप्पल चीक्स जब आप बनाते हैं, तो इसलिए है कि एक सॉफ्टर सा लुक आ रहा होता है, जो कि एट द एंड जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, मिस रोज़ का यहाँ पर सिल्वर हाइलाइटर है, नंबर वगैरह मुझे याद नहीं, आई थिंक 29 नंबर है इसका, और बहुत अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मेरे साथ काम कर रहा हूँ इसके साथ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है।
और दूसरी बात यह है कि काफ़ी सस्ता भी है, 280 या 250 के अराउंड शायद आपको मिल जाएगा। और जी अच्छे से आपने अपने हाइलाइटिंग पार्ट्स को हाईलाइट करना है और फोर हेड को भी आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद जी लिपस्टिक लगाई थी वो पार्ट हो गया मिस, और अब जो है वो काशीज़ ब्रांड के जो है वो डार्क ब्रो मेकर से हल्की हल्की सी जस्ट जो है वो नेचुरल एक कलर देना है, बहुत ज़्यादा मैं शार्पर नहीं लेकर जाना, और स्पूली के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और अब मैंने जो है वो कंसीलर से सेट किया, स्टिक थी मेरे पास उसी से। अच्छा यहाँ पर अगेन जो है वो क्लिप्स मिस हो गए हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से गाइड कर देता हूँ कि आपने क्या क्या। मैंने यहाँ पर आईलैशेज़ अप्लाई की हैं, उससे पहले मैंने एक पर्पल मेटैलिक शेड लिया, उसे अप्लाई किया अच्छे से ब्लेंड करते हुए। उसके ऊपर मैंने ब्राउन शेड जो है मारी कॉन्टोरिंग पैलेट में से जो ट्रांसलेशन शेड होता है ब्राउन की फैमिली से, मैंने वो लिया, उससे अच्छे से ब्लेंड किया। और काशीज़ की वेंटेज क्वीन पैलेट में से ही एक ये क्रीमी शेड होता है मेटैलिक शेड, वाइट और पीच का कॉम्बिनेशन कुछ होता है डल गोल्ड सा, तो वो मैंने इनर कॉर्नर पर भी लगा लिया आइज़ के और ब्रो बोन पर भी लगा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अब लाइनर यूज़ किया है, लाइनर मेरे पास ये एक आम सी ब्रांड है और नाम अभी मुझे याद नहीं है, और इससे जो है वो मैंने अपने अब हल्का हल्का सा स्ट्रोक्स में जो है वो विंग निकालेंगे दोनों साइड से, और अच्छे से जो है ना ब्लेंड करते हुए स्ट्रोक्स को निकालें। और इस हैक के लिए जो है ना, इस लाइनर को लगाने के लिए बहुत सारे हैक भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो आने वाली वीडियोस में वो हैक भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से हैक आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी बाल अब बना लिए थे, बालों को सिंपली कर्ल्स किया है और उन्हें एक डायरेक्शन में छोड़ दिया है, और अब ये है जी हमारा फाइनल लुक। होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, ऐसा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कैसा लगा आपको हमारा आज का लुक मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इसी तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप कौन कौन सी वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं।